I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shemaroo Me. इमरती ऑफ आवर मुरादाबादी सो गुड सो टेस्टी नहीं ये भी बहुत अच्छी जगह की है बताते हैं औरंगजेब के खानसा में हैं ना शिवू बाबू हां चाय करें लो जी चाय आ गई ओ यू टेक बेटा यू टेक नहीं नहीं आप बेटा मौसम भी अब बड़ा सही है आजकल मकान ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं है नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल थैंक यू अरे इसलिए तो यहाँ की गली गली चप्पा चप्पा देखा हुआ बेटा चाय कैसी बनी है बहुत अच्छी अब तो बनानी आ गई होगी आपको चाय शादी के बाद रखेंगे कहाँ मेरी बिटिया को मुरादाबाद या दिल्ली जहाँ लड़का रहेगा वहाँ लड़की रहेगी She will stay with Aju and Delhi. Good, good. वही रहेगी. Our Pandit ji has decided 28th of next month is very good, very wonderful. पहला नवरात्रा जी. अच्छा सारे अगले महीने की कह रहे हैं. नहीं कोई समस्या ही नहीं है तारीख की तो. अगले महीने की समस्या नहीं है भाई. अब तो नौकरी भी लगा दी ना उन्होंने इसकी सेल टैक्स में. सेल टैक्स में. ऊपरी कमाई होती थोड़ी बहुत. नहीं ना मतलब और बहन जी क्या बोल रही है हमने बात कर ली है अब वो कह रहे थे कि जन्म पत्री जैसी तैयार होगी आपके घर भिजवा देंगे लड़की आपकी थी सुशील है जन्म पत्री की क्या जरूरत है यस नो नीड ऑफ जन्म पत्री वेरी नाइस साढ़े पाँच साढ़े पाँच साढ़े पाँच अंदर आके बात करो सभी बच्चों को गोपी भाई वेट कर रहे हैं साढ़े पाँच हो गए ये मास्टर जी हैं हमारे नमस्ते जी तो मैं थोड़ा काम आ गया मुझे इजाजत चाहूंगा अरे लेकिन अभी तो आप लोग आए हैं थोड़ी बातचीत करके फिर चले जाना आ जाएंगे अरे बात क्या करनी है शिवू बाबू है या बड़े हैं सब ठीक ठाक तो इट हैज बीन डिसाइडेड ना अरे कैसी बात कर रहे हैं अब तो आप हमारे संबंधी हैं रखो बेटा अरे खुश हो खुश हो और अभी तो हम बैठ के बात बात कर लेते हैं और पक्का कर लेते काम तो काम ही होता है ना मैं आऊंगा मुरादाबाद आपकी वो इमरती खड़ी यू आर मोस्ट वेलकम उधर चले गए मास्टर जी चलो अरे बाऊजी मगर अरे बेटा समझा करो ना इनको ना काम थोड़ा आ गया राजू भैया सेक्रेटरी बना रखा उनको लीजिए ना बहन जी आप लीजिए मीटिंग मीटिंग चलती रहती है उनकी शादी वादी एग्जाम वगैरह सब लोग अरे चाय ठंडी होगी तो दूसरी बनवा लूं मैं बना दो भैया दूसरी चाय बनाओ चलो बेटा आप आए बड़ा अच्छा लगा बहन जी हमें तो सच में बता रही बड़ा अच्छा लगा शहलाओं के गुंजन में सुंदर स्वप्न सजाए अपने बाबुल का घर द्वार छोड़ अपना संसार बसाने जा रही हमारी लाडली ज्यादा है शब्द हाँ। शुभ होता है बाबूजी शुभ नहीं ज्यादा सीधे खड़े रहा करो ना तुम बाबूजी हटा दे तू जिम जाएगा दादा इधर आना जरा जिम जाएगा तू सही हो जाएगा जीवन ये बॉर्डर हटा दो हल्का लगेगा हल्का कर दे कार्ड को बहुत बहुत अच्छा लगा दादा आना जरा बॉर्डर भी हटवा दो बंद करो ये सिगरेट पीना मुंह महकता है बाऊजी कार्ड दो ये बहुत सही है बहुत ही सही है ये मैं तो कह रहा हूँ फूल भी निकाली दो जीवन इसको सफेद कर दे बेटा बाऊजी पर सादा सफेद पर ही अच्छा लगेगा साफ सुथरा लगेगा मतलब सोबर हुँ? शादी का क्या बोलते हो तुम शक्ल से खुश नहीं लग रहे हो तुम हुँ? दादा आना जरा रीटा और अजय की शादी है डा 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 दिल्ली से जहरीली चीज में काटा हुआ हाँ भाई अरे देख तो ले हाँ हाँ अच्छा फाइनल हो गया ये धन्य आपकी सादगी बाबूजी अरे धन्य बस लिफाफा दे दे बस बड़ा प्यारा रंग है ये वाली देख ये वाली कैसी अरे शादी के कार्ड बन के आ गए भाभी हाँ भाई गरम हो रहा है ऋषि की शादी का है गरम है बिल्कुल कहाँ से ले आए चले गए थे आपको पता लगा खान मार्केट से ले गया बड़ा महंगा है समझे जामा मस्जिद से ले आया 14000 से ये इंसान जो है अपने अनुभव से ही सीखता है या दूसरे के अनुभव से भी सीखता है यहाँ एक मिनट लेक्चर शुरू हो गया इधर आ जाओ जाओ भाई बता रहे हैं हाँ जाओ आंख बंद करो हाथ जोड़ो आंख बंद करो भगवान को याद करो कौन से भगवान भाई पागल हो क्या कुछ अरे शर्मा जी क्या पता चला दुनिया में कुछ चीजें होती हैं जो दिखाई नहीं देती जैसे बिजली हवा और ये सीख लेने के लिए हमें अपने अनुभव की जरूरत नहीं है शर्मा जी के अनुभव से सबने सीख लिया बंदा मार दो तुम अनुभव के चक्कर में अपने अब लगा ले अपनी अपनी ऐसा होता है शादी का कार्ड क्या ना कोई बॉर्डर ना कुछ ये तो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा भाभी इनका दिमाग तो तुम जानती हो ना जो मन में आता है वो करते हैं हम तो कुछ बोलते ही नहीं बेकार है ये देख अच्छा ऋषि कहाँ आजकल
अरे वो तो ऑफिस के ही काम में ये क्या है? घर ही देखो, आस पड़ोस के लोग आके हाथ बटा रहे हैं और वो एक बार भी नहीं आया। ये कोई तरीका है क्या? कह देना उसको, स्वरूप दीदी बहुत नाराज हो रही थी, लड़की का चाचा लगता है। कुछ बातें झटका खाने के बारे समझ में आती है उन लोगों को? क्या क्या है ये? अरे हमारी बच्ची की शादी का मजाक कर रहे हैं क्या? कार्ड है कि इश्तिहार है? कार्ड ऐसे छपता है क्या बाऊजी? नहीं बेटा, वो जो कचहरी का नोटिस आता है ना, वो इससे सुंदर लगता है। पुलिस का वारंट ऐसे नहीं लगता है बाऊजी। देखो मैंने जो सोचा उसके, लेकिन क्या सोचा आपने? क्या लगा आपको? पैसे नहीं है तो नहीं ना छपाते आप कार्ड, फोन पे ही बता देते सबको कि घर में शादी है, नहीं करवाना चाह रहे हैं, लेकिन बुलाना पड़ता है। फुर्सत मिले तो आ जाना, नहीं मिले तो मत आइएगा, वही बेहतर रहेगा। लेटा बेटा क्या करा देंगे? आप मत फंसेगा इसमें फूफा जी। बड़ों से ऐसे वो साड़ी लाएंगे ना, वो भी सफेद ही लाइएगा, ठीक है? वो भी सूती, क्योंकि इस घर में सब अलग ही होता है आजकल। मैंने क्या कहा था, फूल बूटे बनवा लो, थोड़े से क्या फर्क? अरे तो सही है, अरे शहनाई बजती है फोटो में, में लगा कर चार चार टॉप के डिजाइन दिखाए थे इनको, पसंद किया सफेद, एकदम बढ़िया कार्ड है। सादगी कैसे शेर की तरह धार रही थी। गुस्सा हो गई, दिखाइए जरा। शादी की व्यथा होगी कुछ? अवश्य पधारे, ये लो, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है बाऊजी, अच्छा लग रहा है। आपने कभी शेर देखा है? शेर देखा है मतलब शेर चूके? नहीं भाई, बच्चों से फुर्सती नहीं मिली, शेर कहाँ से देखे? तब फिर आप कैसे कह सकते हैं कि शेर धारता है? मास्टर जी और क्या करता है, बैकी बैकी बातें कर रहे हो, क्या हो गया? नहीं नहीं एक मिनट, तो शेर धारता नहीं है? नहीं नहीं, आपने देखा? तुम्हारा मतलब शेर धारता नहीं है? आपने देखा है? देखना क्या भाई, अरे तो देखने से क्या होता है, शेर धारता है? सब सुनी सुनाई बातें हैं ये, अच्छा कहते हैं। अरे मां साहब क्यों बाल की खाल निकाल रहे हैं आप? क्या करता है फिर? देखो हो सकता है शेर बिल्ली की तरह म्याऊं करता हो, तुम्हारे गांव में करता होगा, हो सकता है कि घोड़े की तरह हिन 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 कुछ भी आवाज निकाल सकता है। मास्टर जी आप एकदम ठीक कह रहे हैं, मैंने शेर को धारते हुए नहीं सुना है, कभी नहीं। वही तो ना, अरे टीवी में दिखता है बाबूजी शेर धारता ही है, क्या हो गया, सुना नहीं तो मतलब। चलो शेर देख के आते, शेर देख के आते। अबे क्या बाबला बन रही है, क्या चलो भाई, चलो बाबूजी का, चलो भाई, चलो 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 चौधरी साहब, चलो भाई, चलो चलो। क्या रहा तू? आओ शर्मा जी आ जाओ। अरे इनको देखो, चप्पल कौन पहन गया? समझाओ इन्हें, ये शादी के घर में ना चप्पल पहन के नहीं आना चाहिए। अरे सुनो, अरे भैया क्या हो गया, कहाँ चलते सारे के सारे? अरे शेर देखने जा रहे हैं, भौंकता है कि धारता है? अरे काहे का, भैया बात तो बता के जाओ, कहाँ जा रहे हो? चाय चढ़ाइए भैया हमने। अरे क्या हो गया शिबू बाबू, कहाँ इस घर को पता नहीं किसकी नजर लग गई है। अरे भैया हम बहुत दुखी हो गए, जब देखो कोई ना कोई नया ड्रामा शुरू हो जाता है। शादी का घर है और ये शेर देखने चल दिए हैं, कल को जयमाल पड़ेगी और ये हाथी देखने चल देंगे। बाबूजी 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 सुनो ना, बउआ चल दिखा, क्यों परेशान कर रहा बाबूजी को? क्या कर रहा है? मजाक करने आए क्या तुम लोग? शेर देखने आया कुत्ता, क्या कुछ पकड़ लेगा? मास्टर ऐसे होते हैं क्या? कत्ता लगा यार एकदम से। अरे क्या इतना डरते हो तुम? पकड़ लिया हाँ, चलिए तुम्हें जरूरी था पंगा लेना। बाबूजी चलो ना, टाइम हो गया, गोभी भाई वेट कर रहे होंगे। बोलेगा ये तो सो जाएगा शेर थोड़ी देर में, मुझे लग रहा है। अरे बेटा बोल दो ना, बहुत दूर से आए हैं, एक बार बोल दो। अबे बोल दे किशोरी लाल, नाम लो इसका तब बोलेगा ये। अबे दिमाग खराब कर रखा है, अगला अगर शेर गूंगा हुआ तो क्या करेंगे फिर? क्या बाबूजी बा क्या है, बोला क्या? अरे पागल बोलेगा तो सुनाई नहीं देगा, बुझल इसके लिए बोल दो ना। काड़ा बाऊजी काड़ा काड़ता है भाई वाकई में। बाऊजी पहले पता होता ना तो एक्स्ट्रा रख लाता। क्या पजामा? अरे किसको पता होता है ये सब, और बाकी सब तो ठीक है ना? हाँ ठीक ही है भाई, चलो सूख जाएगा जल्दी। अरे क्यों नहीं जाओगे हैं? अरे सब क्या न्योता देने जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? तो उनके क्यों नहीं जाओगे? हाँ 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 भाई को न्योता देने जाएंगे, प्रधानमंत्री हो गए आप, एकाएक बड़े बिजी हो गए, व्यस्त हो गए। जो मन में आया करते, जो भी मन में आया करते, मालूम है आजकल जुआ खेलना शुरू कर दिया और खुद अकेले नहीं 15 लोगों के साथ सबको सारा जुआरी बना दिया, सब जुआरी हो गए, थूकते हैं लोग हम पे, टुच्चे टुच्चे लोग आ रहे हैं हमारी मदद करने, और लड़की के चचा ऋषि बाबू न्योते के इंतजार में बैठे। लड़ते रहना, देखना वो आएंगे। नहीं आएंगे तो अच्छा ही तो बेटा, नहीं आएंगे तो अच्छा है, ओ भाई थाली का एक खर्चा बचेगा। अरे वाह 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 वाह, क्या नौटंकी दिखा रहे, खर्चा बचेगा। और लड़के वाले जो पूछते हैं कि लड़की का चाचा कहाँ है, तो हम क्या झूठ बोले उनसे? गए तुम एक बार भी मिल ले। मैं क्यों जाऊँ? क्यों जाऊँ मैं? वो आए हमारे घर पे एक बार भी? वो आए पूछने की भाई जीते हो के मर गए हो? नया घर लिया था, कोई जुर्म नहीं किया था भाई, सच सच बोल लो जाके सबको।
कि नहीं आएंगे जी, जब से अपना नया घर लिया है हम गरीबों से रिश्ता तोड़ लिया है। और ये चले जाएंगे तो जैसे इनकी नाक कट जाएगी है। अरे बोलो इनको, मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, बस नहीं जाऊंगा, बस चुप करो, नहीं जाऊंगा। अरे बड़े भाई, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। चले जाओगे तो क्या? नहीं जाऊंगा, बस बोल दिया, नहीं जाएंगे बस। अरे आप तो बोल ही नहीं रहे, तुमसे जाओ तुम। बाकी कार्ड देखोगे बाबू जी? दे देना शिबू बाबू को। अरे शादी के घर में करे, अपने भाई की वजह से बस। और भाई अशोक बाबू, अब तो अच्छा घर मिल गया जी। पढ़ाई करना नहीं तो? हाँ दादा जी, पढ़ रहा हूँ। तुम्हें तो मालूम ही होगा कि बैठ जाओ, बैठ जाओ। भाई रीता की शादी तय कर दी हमने, मुरादाबाद के लोग हैं, वही लड़का अपना। देख लो, आ जाओगे तो अच्छा ही रहेगा, अगर टाइम मिल जाए तो। भाई चाय? क्या स्टील का ग्लास नहीं है? वो जल्दी जल्दी मालूम है ना भाई, ग्लास में पीते हैं। अभी ले आती हूँ। देख लो, दिल करे तो आ जाना, अच्छा ही लगेगा, सब लोग मिलेंगे। आप बता दीजिएगा कुछ काम भी करो। नहीं नहीं नहीं, काम वाम तो बस एक जरिया है। शमी की मम्मी बहुत याद करती हैं, रीता भी कई बार जिक्र चलता रहता है। आ जाओगे तो वो लोग भी खुश हो जाएंगे। चल देख लो अपना। आप क्या बात कर रहे हैं भाई, रहेंगे ना शमी? क्या नहीं बहू, मनमुटाव जो होता है, वो सब बात की बात है, लेकिन तुम लोग रहोगे तो अकेलापन नहीं लगेगा मुझे, मनोबल बढ़ेगा। कोई कह रहा था आपने जुआ खेलना शुरू कर दिया? हाँ, अगर जेल चल गया तो ऋषि बाबू आपसे तो उम्मीद नहीं करूंगा कि आप आए और मुझे छुड़वाएं। चलो शमी, कुछ हो कुछ। अरे शम्मी आजा। आया आया। अच्छा पापा को बहुत समझाया अंकों की महत्ता के बारे में, लेकिन कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। मैंने बोला तो बोले नहीं, और उठा के दे दनादन पेल दिया। अरे बउआ, भैया किसी कहने से छोड़ना नहीं, कुछ मत करना भाई, समाज तो कुछ भी कहता रहेगा ना। सही बात है बिल्कुल भाई, जिसने खेला ही नहीं है खेल, उसे कैसे पता चलेगा इस खेल के बारे में? क्या गधों जैसी बात कर रहे हो यार, पूरे परिवार में लड़ाई चल रही है, इधर उधर से पैसा बटोर के ला रहे हो, दिन भर जुआ खेल रहे हो, बर्बाद करो, ये कोई समझदारी की बात है बउआ? यहाँ बैठे हो, जाके पूछो पंडित जी पर क्या गुजर रही होगी, पूछो जा करके बहू अपने बाबूजी से, पंडित जी को पूछो क्या लगता होगा उनको। कमाल है, अब नहीं अंधो के शहर में आईना बेच रहा हूँ मैं। बाबूजी से नाराज क्यों हो रहे हैं आप? जो रास्ता आपने दिखाया वही तो, उसी पे तो चल रहे हैं हम लोग, मार्गदर्शन आपका है। मैंने किसका क्या? अरे भाई मैंने नहीं कहा था आप लोगों से कि जुआ खेलिए। अरे मूर्खानंद, मैं अपनी जिंदगी में एक जूता ढूंढ रहा हूँ जिसमें मेरे पैर ठीक से आ सके। अब आप उस जूते में अपना पैर डालेंगे तो कटेगा ही ना, ऊपर से दोष ये कि जूते की गलती है। आप गलत समझ रहे हैं बाबूजी, हम तो आपके पास सिर्फ इसलिए आते हैं कि आपसे सीखने की इच्छा है। क्या क्या, क्या 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 सीखोगे चौधरी साहब, क्या सीखोगे आपसे? हम मैं तो खुद अभी अपना रास्ता ढूंढ रहा हूँ, अपना मेरा रास्ता। थोड़ी देर बात कर लूंगा जी, माफ कीजिएगा, आप लोगों ने कुछ नहीं सीखा है, सिर्फ मेरी नकल करते। अरे अपने अनुभव से जानो चीजों को, अपने अनुभव से, मेरे नहीं, अपने अपने अनुभव से जियो, नकल करते। अरे मैंने ताश खेलना शुरू कर दिया तो आप सबों ने ताश खेलना शुरू कर दिया, कल को मैं घंटा घर पे चढ़ के नंगा नाचूंगा तो नंगा नाचोगे मेरे साथ? बोलो। हाँ नाचेंगे ना बाबूजी, क्यों नहीं नाचेंगे? तू चुप रहा कर यार, ये बउआ तू ना हमेशा जो है ना। अरे तो मैंने क्या गलत बोला है? एकदम बाबूजी, हम तो भक्त हैं आपके, आप जैसा कहोगे ना हम वैसा ही करेंगे।
आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है, हम सफर बनके। एक उपकार और कर दीजिए, कल से हम बताइएगा। ये क्या कह रहे हो बाबूजी आप? ये क्या कह रहे हैं बाबूजी? ऐसे थोड़ी ना होता है बाबूजी, कोई गलती हो गई क्या? बाबूजी लेकिन आप कम से कम मंडली खत्म खत्म बाबूजी, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? बात तो सुन लीजिए हमारी। जय हो बाबूजी। हमारा होगा क्या? शर्मा जी शादी में जरूर, शादी में जरूर आना, भूल ना नहीं प्लीज। ये राय दुरुस्त है भौजी, आप भले ही छोड़ दें, हम नहीं छोड़ेंगे आपको। मत छोड़ना बेटा, पकड़ करना, संभल के डॉक्टर पे जाओ। जाओ भैया। ए भाई आइए आइए प्लीज प्लीज, नाराज हो रहे दिख रहे ना, चलिए 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 भौजी। भक्ति में शक्ति नहीं थी हमारी शादी। जाओ जी, ये आप ऐसे, मैंने तो आपको अपना गुरु माना, आप ऐसे निकाल रहे हैं हम लोग? ठीक है चौधरी साहब, जाइए शादी में। बहुत दुख हो रहा है मुझे आज। चलो 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 भौजी, मजदार में छोड़ रहे हैं। चलो मजदार, शम्मी पकड़ रखना, इतना सारा काम भौजी घर में। एक ग्लास रख बेटा, ले ले बेटा, आधे कचौड़ी खाते हो जाओ। जाओ हाँ भाई, तुमने नहीं सुना, तुम कब जाओगे? बाजी मैं दर्जी हूँ, नाप लेने के लिए आया हूँ। तो नाप लो ना फिर। For exclusive classic movies, download Shemaroo Me app now.